हे बंधुओं, आज उत्तम सत्य का दिन है। आप लोग सत्य धर्म के विषय में कितने वर्ष से सुन रहे हैं? जो जितने साल का होगा उससे 4 साल कम कर लो, 4-5 साल, उसके बाद तो सुनना शुरू कर ही देते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है ना? तो उत्तम सत्य धर्म, क्या आप बता सकते हैं कि सत्य धर्म किसे कहते हैं? वहीं हाथ उठा के वहीं बोल लें, सत्य किसे कहते हैं? ओहो, जैसे ये माइक है ना, यहाँ से सुनता है और वहाँ से निकाल देता है और अपने पास कुछ नहीं रखता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये माइक यहाँ से सुनता है और डब्बे से बाहर निकाल देता है, इसने क्या सुना, क्या चीज़ है, इसको कुछ नहीं पता है। और ऐसे ही आप 50 साल से सुन रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता है, इसका मतलब इसमें और आप में इसने भी निकाल दिया, अरे बोलिए ना, और आपने भी निकाल दिया, दोनों ने निकाल दिया। ये तो अजीब है, तुम तो जीव हो, यही तो अंतर है जीव और अजीव में, कि जीव के अंदर जाता है, सुनता है, गुनता है, मनन करता है, उसका पालन करता है, ये जीव की विशेषता है। और ये अजीब की विशेषता है कि यहाँ से सुनता है और वहाँ से निकाल देता, अपने पास कुछ नहीं रखता है। हाँ चलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पूजा नहीं पूछ रही, आपके मन में क्या है वो बताइए, आपने क्या समझा वो बताइए। पूजा तो मुझे भी आती है, करिए। मैंने पहले कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज सांच जवाहर खोल सतवात। ये तो पूजा है, ये तो उनने लिख दी है और आपने पढ़ ली है, वही वाली बात है, उनने लिख दी और तुमने पढ़ ली, अंदर क्या गया, अंदर क्या गया? चलिए आप बताइए, तुम्हारी अंतरात्मा कुछ बोलती है, क्या बोलती है बताइए, धर्म करने, चिंतन करने के लिए। चलिए हाँ बताइए, आप बताइए। जैसा देखा जैसा सुना वैसा ही बोलें, इसे सत्य कहते हैं। बैठ जाइए, पर निंदा ना करें, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइए, चलिए अब मैं बता देती हूँ, अब आप लोग तो चलिए बैठ जाइए, बोलिए। आत्मा अजर अमर है और पुद्गल नश्वर है, ये सत्य है। चलो कुछ निकट 2-3 जने पहुँचे हैं जो बाद में बोले, कुछ निकट पहुँचे हैं। धर्म स्नेही बंधु हो, सत्य वचन, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, इसको सेट करो भाई, ये कैसा हो रहा है? सत्य वचन, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, ये सब सत्य धर्म की प्राप्ति के उपाय हैं। सत्य धर्म है नहीं है, सत्य वचन किसे कहते हैं? जैसा देखा है जैसा सुना है वैसा बोल दिया, ये सत्य वचन हो गया, ये सत्य वचन हो गया। लेकिन सत्य अणुव्रत थोड़ा आगे बढ़ गया, उसमें क्या है? सत्य अणुव्रत में अनुरूप से सत्य को ग्रहण किया है, उसमें अहिंसा धर्म भी आ गया, उसमें
प्रेम की भावना भी आ गई। अब जैसे घर में गृहस्थी लोग रहते हैं तो आपको झूठ बोलना पड़ता कि नहीं बोलना पड़ता, घर में रह कर के झूठ बोलना पड़ता कि नहीं बोलना पड़ता है। अब घर में घी रखा है, अभी आधा डब्बा घी रखा है, देखो जी क्या बात है, प्रैक्टिकल है क्या, घी खत्म हो गया, हाँ घी ला दो। अब इस झूठ में किसी का बुरा नहीं है, इस झूठ में किसी का अहित नहीं है, केवल एक भावना है। यदि पूरा ख़त्म हो जाएगा, इन्हें पता है कि अभी कहेंगे तो ये महीने भर बाद लाएंगे, इसलिए घंटी बजानी अभी से शुरू कर देती हैं। चलो ये गृहस्थी वाला झूठ है, किसी के बुरे की भावना नहीं है, इतनी तो छूट है, इतनी तो छूट है ना। अच्छा, घर में डिब्बे में लड्डू रखे हैं और तुम्हारे बच्चे ने दो लड्डू खा लिए, अब वो तीसरा फिर मांग रहा है, अब तुम क्या कहोगे, लड्डू तो ख़त्म हो गए बेटे, कल बनाएंगे तेरे लिए, है ना। अब लड्डू ख़त्म हो गए, अब नहीं है, अब तो गए। अच्छा, बच्चा मान गया, इस झूठ बोलने में तुम्हारी कोई गलत अभिप्राय नहीं है, किसी का बुरा करने का अभिप्राय नहीं है, इसलिए इतनी छूट है, इसलिए इतनी छूट है। आप गृहस्थी हैं तो इसलिए आपको घर गृहस्थी में रहकर आपको कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं, संभालना पड़ता है, तो इसीलिए अणुव्रत कहा है। क्या कहा है, अणुव्रत, अभी पूरा नहीं कहा है, अभी आप थोड़े रूप में पालन कर रहे हैं, भाव खराब नहीं है, झूठ बोल रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप पड़ोसन ने किसी की बुराई करी, पड़ोस में सास गई और बुराई करी अपनी बहू की, अब वो तो मंदिर चली गई, अब बहू ने देखा ये जरूर पड़ोस में कुछ कह के आई है मेरे विषय में, अब वो गई पड़ोस में, अब उस पड़ोसन ने उससे पूछा, जो बहू ने, बता मेरी सास क्या कह रही थी, अब उस पड़ोसन को सही कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। यदि वो कहती है तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी, और यदि वो कहे तेरा तो दिमाग खराब है, तेरी सास तो तेरी तारीफ कर रही थी, तेरी सास तो तेरी तारीफ कर रही थी, तू वैसे उसके विषय में उल्टा उल्टा सोचती है, अब बहू सोचेगी मैं ही खराब हूँ, मेरी सास तो अच्छी है ना। अब वो घर जाएगी, अब अम्मा जी का इंतज़ार करेगी, गरम गरम रोटी बनाएगी, अच्छा खाना बनाएगी, अम्मा जी पहले आप भोजन कर लो फिर हम खा लेंगे। अब अम्मा जी को गरम गरम भोजन मिला, बहू के प्रति जो गुस्सा था वो शांत हो गया और दोनों में मैत्री भाव हो गया। अब वो पड़ोसन ने झूठ बोला या सच बोला, अब तुम्हें ऐसा कौन कौन करता है, ऐसा कौन कौन करता है, वो हाथ उठाओ। नहीं, नहीं करते, नहीं करते, जैसा होता है और बताने का प्रयास मौका ना मिले तो फोन पे बता देते, तेरी सास ना ऐसी ऐसी कह रही थी, जरा संभल के रहना अपनी सास से। अब सास उसकी दुश्मन है क्या, भाई ठीक है गुस्सा आपस में हो जाता है, कोई बात नहीं है, दुश्मन तो नहीं है ना, अपनी बहू का बुरा तो नहीं चाहेगी ना, इतना विश्वास तो बहू को भी होना चाहिए और इतना विश्वास तो सास को भी होना चाहिए कि बहू मेरे विषय में उल्टा नहीं सोचेगी, और बहू को होना चाहिए कि सास कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी, जो बहू बनाकर लाई है वो मेरा कभी भी बुरा नहीं कर सकती है, इतना विश्वास होना चाहिए। छोटा मोटा गुस्सा तो देखो होता रहता है, जो खुद अपने बच्चों को जन्म देता है उस पर भी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा करना कोई मतलब घर में रहते हुए हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने बुरा ही सोच लिया है। और उस पड़ोसन ने यदि सत्य बोल दिया तो उनके घर में जहर घोल दिया, अब उसने किसी के घर में जहर घोला है तो दूसरा तैयार बैठा है तुम्हारे घर में जहर घोलने को, ये ध्यान रखना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो तुम्हारे लिए पहले तैयार है।
तो सत्य अणुव्रत पालन करने वाला ऐसा सत्य नहीं बोलता है कि जिससे हिंसा हो जाए, ऐसा सत्य नहीं बोलता है कि जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाए। ये अणुव्रति आप घर गृहस्थी हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए भी आप इतना पालन तो कर ही सकते हैं। फिर आता है सत्य महाव्रत। क्या? सत्य महाव्रत। अब इसमें वचन भी सत्य हैं, वचन से भी असत्य नहीं बोल सकता। मौन रह जाएगा मगर असत्य नहीं बोलेगा, चुप रह जाएगा मगर असत्य नहीं बोलेगा, किसी की किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करवाएगा, किसी से किसी की चुगली नहीं करेगा। ये चुगली करना, निंदा करना सब झूठ के अंतर्गत आता है। और जो झूठ है वो पांच पाप में एक पाप है। बोलिए है कि नहीं है? पांच पाप में झूठ बोलना एक पाप है। और यदि आप ऐसा झूठ बोलते हैं कि जो किसी का भला कर दे तो वो सत्य की श्रेणी में आता है, और जो किसी का बुरा कर दे ऐसा सत्य भी झूठ की श्रेणी में आता है। झूठ ही माना जाएगा, लिख लीजिए, क्योंकि आपका अभिप्राय सही नहीं है, आपका अभिप्राय गलत है, उनके घर लड़ाई झगड़ा करवाने का है। लेकिन सत्य महाव्रति, अब इसने धर्म को पूर्ण रूप से अंगीकार कर लिया है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अब सत्य वचन भी बोलेगा और सत्य धर्म का पालन भी करेगा। वचन भी असत्य नहीं बोल सकता है। एक चौराहे पर एक मुनिराज बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ से एक गाय निकली और एक रास्ते पर चली गई। पीछे से कसाई आया, उसने देखा कि ये कोई नंगा व्यक्ति बैठा है। उसने पूछा, मेरी गाय कौन से रास्ते पर गई है? हाथ में शस्त्र है, मारने के लिए तैयार है। अब महाराज यदि ये बता देते हैं कि गाय इस रास्ते पर गई है तो हत्या कर देगा। अब महाराज को सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? झूठ बोल नहीं सकते, सत्य वचन भी बोलना है। अब करें तो क्या करें? महाराज चुप बैठे हैं। बोले, बताता है कि नहीं बताता है? बोले, गाय को बाद में मारूंगा, पहले तेरे को मार दूंगा, बता पहले कहाँ गई मेरी गाय। अब महाराज पे उपसर्ग आने वाला है। तो महाराज ने कहा, भाई जो देखता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो देखता नहीं। क्या कहा? जो देखता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो देखता नहीं। यानी आँखें देखती हैं पर बोलती नहीं है, मुंह बोलता है मगर देखता नहीं है। अब महाराज को तो सत्य धर्म का पालन करना था, वचन भी असत्य नहीं बोल सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने समझा कोई पागल है ये, बात तो समझ में आई नहीं। उस व्यक्ति ने समझा कोई पागल बैठा ये, और छोड़ के चला गया। और महाराज ने सत्य धर्म का पालन भी कर लिया और सत्य वचन का पालन भी कर लिया। तो महाव्रति सत्य धर्म को स्वीकार कर लिया है, अब वो असत्य वचन नहीं बोलेंगे। असत्य तो छोड़ो, धर्म की प्राप्ति के लिए, कौन सी धर्म की? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए असत्य वचन का भी त्याग कर दिया। गृहस्थी को थोड़ी सी तो छूट दी है, कितनी छूट दी है कि किसी की हिंसा ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी का लड़ाई झगड़ा ना हो, इतनी छूट दी है, इससे ज़्यादा छूट नहीं दी है, ध्यान रखना। तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सत्य वचन एक कारण है। एक और चीज़ आज एक रहस्य खोलना चाहूँगी। अच्छा ये बताओ, आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? जहाजपुर में। आपका घर कहाँ है? पिंडरई में। आपका घर कहाँ है? अरे बोलिए ना, हैं? मुरार में, इंदौर में है? हाँ जी, राजमल जी आपका घर कहाँ है? कोटा में है। बहुत बढ़िया है ना।
अब ये वचन सत्य हैं कि असत्य हैं? गहराई से सोचो, सत्य धर्म को समझने बैठे हो। ये वचन सत्य हैं कि असत्य हैं? जब इस दुनिया से जाओगे तो क्या इस मकान को लेकर जाओगे? जब तुम लेकर नहीं जा सकते तो तुम्हारा कैसे है? जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे साथ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं होगा वो यहीं छूट जाएगा। सच है या गलत, झूठ है? जो मैंने एक बात कही है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे साथ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो यहीं छूट जाएगा। ये सत्य है या नहीं है? सत्य है। अभी मैंने आपसे पूछा आपका मकान कहाँ है, आपने सबने कहा जहाजपुर में है, इंदौर में है, कोटा में है, मुरार में। अब ये वचन सत्य है या झूठ है? मोह में बोला गया हर वचन झूठ है। सुन लो कान खोल के, मोह में बोला गया हर वचन झूठ है। मुझे भूख लगी है, भाई आत्मा को तो भूख लगती नहीं है, पर तुम कौन हो, किसे भूख लगी है, ये भी झूठ है। निश्चय ने से देखा जाए तो जितने सुबह उठ कर के रात के सोते सोते तक और सपने में जितना बोलते हो, जितना करते हो, जितना सोचते हो, सारा का सारा झूठ की श्रेणी में जाकर चला जाता है। मेरी साड़ी, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी दुकान है, मेरा घर, मैं, मेरी संपत्ति, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरी साड़ी, मेरी ज्वेलरी, मेरा ये, मेरा वो, ये जितना कर रहे हैं ये सब झूठ की श्रेणी में आ रहा है। सत्य धर्म की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सत्य धर्म की। सत्य धर्म को समझ लो क्या है। मुनिराज जब दीक्षा लेके जंगल में जाते हैं तो सब कुछ छोड़ कर जाती है। जो मेरा नहीं है, क्या छोड़ा उन्होंने? क्या छोड़ा उन्होंने? जो मेरा नहीं है वो छोड़ दिया उन्होंने, चले गए जंगल में। अब जो शरीर मेरा नहीं है, बस वो ही बचा है उनके पास में, उसको वो छोड़ नहीं सकते हैं। वो जब तक आयु कर्म है उतने दिन उस शरीर में रहना पड़ेगा, लेकिन जितनी चीज़ मेरी नहीं थी उसे मन से भी त्याग किया, और उसे शरीर से भी त्याग किया, उसे आत्मा से त्याग किया। ये त्याग धर्म क्यों बताया? अभी आएगा त्याग धर्म, तब बताऊंगी आपको कि त्याग क्या है और क्या होता है त्याग। अभी तो पहले मोह की बता दूं, सत्य का बता दूं। फिर से कान खोल के सुन लो, मोह में बोला गया हर वचन असत्य की श्रेणी में आता है। बस ठीक है कि संसार को चलाने के लिए व्यवहार नहीं की अपेक्षा आप अपने कह देते हो मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा सब कुछ, लेकिन अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरी आत्मा के सिवा मेरा कोई नहीं है। जिस क्षण आप ये विचार करते हो, जिस क्षण, उस क्षण आप सत्य में हैं। और जिस क्षण ये विचार आपके मन में नहीं रहता है उस क्षण आप असत्य में हैं। आप क्या, जितने भी जीव हैं सभी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सत्य को समझने की कोशिश करो। दूध का दूध, पानी का पानी, यही तो सत्य है। दूध को अलग समझ लिया और पानी को अलग समझ लिया, तो अंदर में एक श्रद्धा होनी चाहिए कि आत्मा को छोड़कर संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। एक श्रद्धा। मैं आपको घर छोड़ने नहीं कह रही हूँ, परिवार छोड़ने नहीं कह रही हूँ, आपको कोई दीक्षा नहीं दिलवा रही हूँ, आपका खाना पीना भी नहीं छुड़ा रही हूँ, लेकिन अंदर की श्रद्धा बनाने को कह रही हूँ। क्योंकि सम्यक दर्शन जब भी होगा श्रद्धा से होगा। सम्यक दर्शन कब होगा? श्रद्धा से होगा। आपके पास श्रद्धा ही नहीं है तो फिर आप सत्य को पहचानोगे कैसे, आत्मा को पहचानोगे कैसे? और जब तक आपने आत्मा को नहीं पहचाना है तो सम्यक दर्शन होगा कैसे? और जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, कितनी पूजा कर लेना, फल एक है। सम्यक दृष्टि माला फेरता है, फल चार गुना मिलता है। सम्यक दृष्टि पूजा करता है, फल
चार गुना मिलता है, मिथ्या दृष्टि माला फेरता है, फल एक मिलता है। और सम्यक दर्शन कब होगा? जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, जब तक दूध का दूध पानी का पानी अलग नहीं होगा, श्रद्धा में, घर छोड़ने नहीं कह रही हूँ, श्रद्धा में जब तक नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। आप श्रद्धा बनाकर देखिए, श्रद्धा बनाते ही आधी टेंशन अपने आप खत्म हो जाती है। जब मेरा है ही नहीं है तो काहे को दिमाग खराब करूं, काहे को मैं पीछे पड़ूं किसी के, काहे को मैं ऐसा करूं, अपने आप ही भाव आने लगेंगे। केवल श्रद्धा बनाना है, कुछ नहीं करना है। क्या श्रद्धा बनानी है? अरे बोलिए ना, एक सत्य की श्रद्धा बनानी है। आज सत्य धर्म का दिन है और एक सत्य श्रद्धा बनानी है। आप बातचीत भी करो, आप घर वालों के लिए भोजन भी बनाओ, आप कमाई भी करो, आप नोट भी गिनो, आप सारे काम करो। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता कि हम बाहर कुछ और काम कर रहे हैं और अंदर में कुछ और विचार चल रहे हैं? ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? हो नहीं सकता, करते हो ऐसा। इंसान के अंदर बड़ी शक्ति है, एक समय का एक उपयोग होता, कुछ भी कर सकता है। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, महिलाएं जब नए कपड़े पहन के रसोई बनाती हैं तो उस समय रसोई भी बनती है पूरी, सब्जी भी छुकती है, रोटी भी बनती है, पूड़ी भी बनती, ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान कहाँ रहता है? साड़ी में, ठीक है, रहता नहीं रहता है। अच्छा, इसी तरह से ड्राइविंग करते हैं, जिनको ड्राइविंग करने की आदत पड़ जाती है तो गाड़ी चलती रहती और मन में विचार कुछ और चलते रहते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसी ताकत आपके अंदर में है कि नहीं? जब लड़की की सगाई हो जाती है तो सगाई होने के बाद में लड़की रहती तो पीहर में है, अभी शादी नहीं हुई है, सगाई हुई है, लड़की रहती तो पीहर में है लेकिन दिमाग, मेरी सास ऐसी होगी, मेरे ससुर ऐसे होंगे, मेरी देवरान जिठानी ऐसी होएगी, मेरा देवर ऐसा होएगा, घूमता रहता है दिमाग। घर में रोटी भी बना रही है, कपड़े भी धो रही है, कपड़े भी सुखा रही है, सब काम कर रही है, दिमाग। पता मैंने ये बात क्यों बताई आपको? वो इसलिए बताई है कि यहाँ रहते हुए आप वहाँ का सोच रहे हो, ये शक्ति आपके पास है, इसी शक्ति का प्रयोग अपने लिए करना है, इसी शक्ति का प्रयोग अपने लिए करना। रहना घर में है लेकिन मन में सोचना है मेरा तो कुछ भी है ही नहीं हूँ, अजर अमर अविनाशी एक मेरी आत्मा है, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है। एक दिन आएगा जब मुझे जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। किससे मोह करूं, किसके प्रति क्या करूं, मन में ऐसे विचार चलते रहें और रोटी बनती रहे, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना। और भाषा समिति, सत्य धर्म की प्राप्ति में भाषा समिति भी सहायक है। भाषा समिति क्या है? भाषा समिति यानी हित, मित और प्रिय वचन बोलना, हितकारी, जो हितकारी हो, निंदा के ना हो, बुराई के ना हो, मित थोड़े हों और प्रिय कान को अच्छे लगने वाले हों, ऐसे वचन को हित मित प्रिय वचन को भाषा समिति कहा जाता है। वचन के दोषों में आया है, तत्वार्थ सूत्र के सातवें अध्याय में एक सूत्र आया है, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान नुवीचि भाषणम। क्रोध, क्रोध में बोला गया वचन झूठ है, लोभ में बोला गया वचन, क्योंकि आदमी या तो क्रोध में झूठ बोलता है, लोभ में झूठ बोलता है, भय से झूठ बोलता है, और एक एक अंतिम अनुविची भाषणम, जिन वाणी के कहे हुए जैसी आज्ञा है वैसे वचन बोलना या निर्दोष वचन बोलना,
ये सत्य है और ऐसा नहीं बोलते हो तो झूठ है। अब झूठ बोलने में पाप लगता कि नहीं लगता? अरे बोलिए ना, 24 घंटे मोह के वचन बोल रहे हो, पाप लग रहा कि नहीं लग रहा? और जब पाप का उदय आता तो क्या कहते, हे भगवान हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है, सारे कर्म तो हमारे ऊपर आ रहे हैं, कहते हो नहीं कहते हो? अब 24 घंटे तो झूठ में पड़े हैं, पड़े कि नहीं पड़े झूठ में? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 24 घंटे पाप में पड़े हैं, जानकर भी और अनजाने में भी। क्या कहा? जानकर भी और अनजाने में भी। अनजाने में कर रहे हैं, चलो पाप थोड़ा लग जाएगा, कम लग जाएगा, जानबूझकर कर रहे हो पाप और ज़्यादा लग जाएगा। निर्दोष वचन बोलना, कैसे वचन बोलना? निर्दोष वचन बोलना, दोष रहित वचन बोलना। अब दोष रहित वचन कैसे होते हैं? क्रोध से रहित, मान से रहित, माया से रहित, लोभ से रहित, हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से रहित, राग, द्वेष, मोह से रहित जो वचन है वो निर्दोष वचन है। अब आप कहोगे, माता जी आपने तो सब कुछ निकाल दिया, इसके बिना तो कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए, 24 घंटे यही तो बोलते हैं और करते क्या हैं हम? बोलिए, ऐसा है कि नहीं है? जितना जितना हम सत्य धर्म के निकट आएंगे उतना उतना हम पापों से बचेंगे, और जितना हम सत्य से दूर रहेंगे उतना उतना हम पापों में पड़ते चले जाएंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं पाप का फल क्या है और पुण्य का फल क्या है। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। अब 24 घंटे क्या चल रहा है? पाप। पुण्य कितनी देर के लिए करते हो? मंदिर में भी आके करते हो कि नहीं करते, ये भी कोई जरूरी नहीं है। पूजा करते करते भी पुण्य चल रहा है कि पाप, ये भी पता नहीं है। हाथ में जिनवाणी हो, मुंह में वचन हो, दिमाग कहीं और चल रहा है, और शरीर तो तुम्हारा अच्छी जगह बैठा है, दिमाग बुरी जगह पहुंच गया है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और 5% वचन का, 5% शरीर का, कर्म बंध जो होता है 5% वचन का, 5% शरीर का, और 90% कर्म बंध मन से होता है। और मन कहाँ पहुँच गया? पाप में पहुँच गया। क्या हो गया? पूजा करते करते भी कर्म बंद हो गया। कौन सा कर्म? पाप कर्म बंद हो गया। अब 24 घंटे, अब तो मुझे, जिसको ज्ञान हो जाता ना वो डरता है फिर पापों से, और जब तक ज्ञान नहीं तो मज़े से करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसकी बुराई कर लो, उसकी बुराई कर लो। निंदा के वचन भी झूठ के वचन हैं, क्योंकि निंदा में दूसरे के प्रति बुरी भावना है, इसलिए निंदा के वचन भी झूठ के वचन है। जिस समय आप किसी की निंदा कर रहे हैं उस समय पाप कर्म का बंध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं दूसरे की, टारगेट है दूसरा और बुरा हो रहा है हमारा। बोलिए, ऐसा है कि नहीं है? निशाना तो सामने वाला है, लेकिन तीर कहाँ चलेगा? खुद को लगेगा आके, ध्यान रखना, ये तीर वहाँ लगे ना लगे ये कोई गारंटी नहीं है, मगर तुम्हें जरूर लगेगा यदि तुम निंदा कर रहे हो तो। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो आज से आप लोग कम से कम आज तो झूठ मत बोलना। अच्छा एक काम करना, आज है ना, आज एक शब्द का त्याग कर दो, मेरा, मेरी घड़ी, मेरी दवाई, मेरे कपड़े, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा ये, आज मेरा शब्द बोलने का त्याग कर दो। अंदर से तो छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, अंदर से छोड़ना तो बड़ा मुश्किल, ऊपर से तो त्याग कर दो। तो आज मेरा शब्द बोलने का त्याग है, ठीक है? अरे बोलिए ना। हाँ, हाथ उठाइए, चलिए संकल्प लीजिए,
संकल्प लीजिए मेरा शब्द उपयोग नहीं करेंगे, और अगर गलती से मुंह से निकल जाए तो उसी समय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, ठीक है। उठाइए हाथ। भोजन में भात का, तत्व में सात का, माइक बढ़ाओ थोड़ा सा, वेश बढ़ाओ इसका, वेश बढ़ाओ। तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपके जहाजपुर की यात्रा का, जब ले जाते हैं ना तो राम नाम सत्य का, और भोजन में पथ का, और आज उत्तम सत्य का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और सत्य धर्म को सूक्ष्म रूप से आज थोड़ा थोड़ा पालने का।